अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम हबीब एंड आई एम फ्रॉम MScS फोर्थ सेमेस्टर। मेरी ऐप का नाम है ट्रैक बेबी ग्रोथ बेबी केयर ऐप। ये कंटेंट्स हैं, ट्रैक बेबी ग्रोथ एप्लीकेशन जो है वो बेबी केयर के लिए डेवलप की गई है, जो न्यू बॉर्न और प्री बॉर्न बेबीज़ के लिए है। ट्रैक बेबी ग्रोथ एप्लीकेशन जो है, इसमें बच्चे ये चाइल्ड के हवाले से हर चीज़ हम इसमें सेव कर सकते हैं। इस ऐप के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें डिफरेंट चीज़ें सेट कर सकते हैं, लाइक उसकी थीम सेट कर सकते हैं। उसके अलावा बेबी की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम ऑफ बर्थ या उसका फीडिंग टाइम, डाइपर टाइम, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इसमें सेव कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड फ़ोन्स और पर्सनल कंप्यूटर्स में जो है अवेलेबल है। यूज़र जो है इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रैक बेबी ग्रोथ जो एप्लीकेशन है, इसमें हम जो है वो मैरिड कपल्स के लिए हैं, और इसमें छोटे बच्चों के हवाले से जो है वो सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी और उस हवाले से इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जा सकता है। ये एप्लीकेशन जो है वो फ्री अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। यूज़र जो है इसको इजीली डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से। उसके लिए सिर्फ उसको इंटरनेट पैकेज रिक्वायर है और कुछ स्पेस चाहिए उसको मोबाइल में या पर्सनल कंप्यूटर में, जहाँ पर जहाँ इसकी इंस्टॉलेशन हो सके। उसके बाद ये ऐप टेस्टिंग है, जो यूज़बिलिटी कंपोनेंट्स की बेस पर टेस्ट किया गया था। इसमें जो यूज़र है जिसके लिए ये डिज़ाइन जो है वो इजीली इंट्रैक्टेबल है, लाइक वो इसके फीचर्स को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है बच्चों के हवाले से सेव की जा सकती है। बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे उसका नाम, उसकी पिक्चर, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें सेव की जा सकती हैं। और इसमें जो है यूज़र जो है अब इजीली इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है जस्ट सिंगल क्लिक की बेस पर। उसके बाद इसकी जो मेमोरेबिलिटी है उसमें यह है कि यूज़र जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है, क्योंकि इसमें मोर देन वन फीचर जो है वो अवेलेबल है और उसको यूज़ करना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी है। और ईजीली फीचर्स जो हैं यूज़र इनको यूज़ करते हुए इसकी प्रोफिशिएंसी जो है उसको इन्हेंस कर सकता है और अपने काम को आसान बना सकता है। कुछ फीचर्स लाइक फीडिंग ग्राफ, वैक्सीनेशन ग्राफ, डिफ़िकल्टीज कुछ जो हैं बनाती हैं, तो यूज़र जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें मैनेज कर सकता है और उसको रीड भी कर सकता है। इसमें जो एरर्स हैं कि अगर एक दफ़ा यूज़र ने इन्फॉर्मेशन अपने फर्स्ट बेबी की ऐड कर दी है और वो भूल जाता है कि उसके सेकंड बेबी की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की, तो उसके लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक टाइम पे एक बेबी की ही इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। अदरवाइज़ जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मिक्स भी हो सकती हैं, लाइक उनका फीडिंग टाइम और इस तरह की चीज़ें, डायपर टाइम, वो मिक्स हो जाएगा कि कौन से बेबी का कौन सा टाइम था। इसमें जो है यूज़र एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो फीड नहीं करता, लाइक W चार्ट में या H चार्ट में, तो इस तरह से उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेबी के हवाले से। उसके बाद 24 आवर टाइम जो है वो अगर सेट नहीं करता तो वो डायपर टाइम, उसका फीड टाइम, वैक्सीनेशन टाइम, ये सब जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं और वो कन्फ्यूज़ भी हो सकता है अगर वो मोर देन वन चाइल्ड के लिए सेव करता है तो। उसके बाद सीवियर एरर जो है इसमें वो यही है कि जो प्रॉपर ऐड नहीं करता नंबर ऑफ़ बेबीज़ ऐप में, तो उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरी करना जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। फर्स्ट यूज़र रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, देन ऐड द प्रॉपर डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट। यूज़र रैंडमली इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं करता जाए। अगर एक दफ़ा प्रॉपर 24 आवर फॉर्मेट जो है वो रीड कर लिया है, तो फिर उसी टाइमर को के अकॉर्डिंग वो उसका फीड टाइम, डायपर टाइम, वैक्सीनेशन टाइम ऐड कर सकता है।
जब यूज़ उसके बाद आ जाता है सेटिस्फेक्शन व्हेन द यूज़र एंटर द पिक्चर एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ देयर बेबी दे फील हैप्पी आफ्टर सेइंग दिस। सेटिस्फेक्शन जो मदर्स को है स्पेशली वो तभी हो जाती है जब वो अपनी बेबी की इस हवाले से चीज़ें जो देख लेती हैं कि उनके बेबी की पिक्चर सेट हो गई है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेव हो गई है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो बेबी का फीडिंग टाइम है वो रिलैक्स रहते हैं कि उन्हें पता चल जाता है इजीली कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा बेबी की फीडिंग का। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया, ये कुछ यूज़र्स के इंटरव्यूज़ किए गए जिसमें उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिसके हवाले से उन्हें ग्राफिकली शो भी किया गया कि किसका कितना रिस्पॉन्स हमें मिला। उसके बाद कार्ड्स सॉर्ट किए गए जिसमें एप्लीकेशन जो थी वो रीडिज़ाइन भी की जा सकती थी। ये कुछ यूज़र्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से उसके फीचर्स बताए, उसके मेन्यूज बताए, उनको अरेंज किया गया। और फिर उसके बाद जो है वो हमने कार्ड को एनालाइज किया, कार्ड सॉर्टिंग को, और जो सिमिलर चीज़ें बताई गई थी उनको हमने एक साइड पर करके ये एक रीडिज़ाइनिंग का ऑप्शन दिया। ऐप रीडिज़ाइन की गई जिसमें हमारे पास थीम्स आ गए, हम डिफरेंट थीम्स पे क्लिक करने से ही वो थीम सेट हो जाएगा। उसके बाद ये बेबी के लिए फीचर्स में हमने कुछ चीज़ें ऐड की लाइक उसका थीम, सेटिंग्स, कैलेंडर, फ़ोटोज़, फेवरेट्स में उसमें कुछ जो है इवेंट्स ऐड कर दिए हमने उसके। उसके बाद मोर इवेंट्स भी उसमें भी हमने कुछ इवेंट्स ऐड किए और उसको कैटेगराइज कर दिया कि वो किस किस तरह से होंगे। ये चार्ट्स को शो किया गया। उसके बाद जो है वो इसको हमने रन किया टेस्टिंग के लिए जो कि जिसमें रिकमेंडेशन एक्सेप्ट भी की गई, कुछ नहीं भी एक्सेप्ट की गई। इसमें जो हमने की थी रनिंग करवाई टेस्टिंग के लिए वो आमना पर बेस्ड थी जिन्होंने इस ऐप को जो है वो एक्सेप्ट किया और उसकी बच्चों की ग्रोथ के हवाले से उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें भी पसंद की जिसमें उन्होंने कहा कि ये स्लीपिंग टाइम चार्ट वगैरह ये सब बहुत हेल्पफुल रहेगा कि किस एज में कितना बेबी का वेट होना चाहिए इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन उनको लिए इजीली अवेलेबल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने टाइमर को बहुत पसंद किया और उन्होंने कहा कि अलार्म लगाने से जो है वो हम इजीली टाइम चूज़ कर सकते हैं कि किस टाइम पर हमने क्या करना है। अब मैं सेल्फ क्रिटिक में ये था कि सबसे पहले एज अ मदर मैं बहुत खुश थी कि मैंने ये ऐप यूज़ की अपने छोटे से बेबी के लिए और इसमें बहुत सी चीज़ें जो थी वो बहुत बेनिफिशियल थी मदर के लिए जो कि मैंने इनकी पिछली स्लाइड्स में मेंशन की। मैंने इसके अलावा बहुत से और भी इंटरव्यूज़ किए और कार्ड सॉर्ट किए जो कि बेटर डिज़ाइन थे बट आई विल डिज़ाइन लेटर बिकॉज ड्यू टू देयर जॉब्स दे डू नॉट प्रोवाइड देयर प्रॉपर टाइम। वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सके थे जिसकी वजह से हम उसको रीडिज़ाइनिंग में ऐड नहीं कर सके थे। मैंने सारे इंटरव्यूज़ को थॉरली पढ़ा और मैंने उनके इश्यूज़ जो है वन बाय वन उनको रीडिज़ाइनिंग में शो कर दिया था। थैंक्स।